थंबनेल वाट दो नाखून के बराबर है, लेकिन तुम्हें इस वीडियो में लाने के लिए इसका ही रोल 95%। देखो यूट्यूब पर एक व्यूअर को हर रोज हजारों वीडियोस दिखाए जाते हैं, तो वो सिर्फ तुम्हारे वीडियोस पर ही क्यों क्लिक करेगा? उसका मर्जी। हाँ, और वही मर्जी को बदलने के लिए तुम्हें भी बदलना पड़ेगा अपना थंबनेल डिजाइनिंग स्टाइल को। एक अच्छा थंबनेल ऑडियंस के अंदर इमोशन, हार्ट एंड फीलिंग या क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करेगा, जिससे कि वो क्लिक करने में मजबूर हो जाए। और एक थंबनेल का परफॉर्मेंस को जानने के लिए वी हैव टू लुक एट CTR। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, दैट मींस वीडियो कितने लोगों को भेजा गया है और उनमें से कितने लोग क्लिक किया है, उसका एक रेशियो 3-10% को एक गुड CTR माना जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर चैनल। अगर नया चैनल है जिस पे 1000-5000 व्यूज आते हैं तो उस पे CTR 10% से अबव ही रहना चाहिए। लेकिन बड़े चैनल्स के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका वीडियोस वाइडर ऑडियंस के पास भेजा जाता है तो ऑडियंस का इंटरेस्ट भी वेरी करता है, इसलिए क्लिक थ्रू रेट भी कम हो जाता है। उनके लिए 3-7% ग्रेट रहेगा। थंबनेल डिजाइनिंग से पहले अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग उसका एक कॉन्सेप्ट सोचो। लाइक थंबनेल पे तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? कुछ अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हो या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? व्यूअर्स के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना चाह रहे हो या कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया वो दिखाना चाहते हो? याद रखना, थंबनेल पर तुम जो भी एलिमेंट्स डालोगे सबका कुछ ना कुछ मीनिंग रहना चाहिए, या फिर सब मिलकर एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। जैसे टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें की फ्रेम्स यूज करना पड़ता है, इसीलिए मैंने थंबनेल पर भी की फ्रेम का आइकॉन डाला है। और ये वीडियो एक प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल है, इसलिए प्रीमियर का टाइमलाइन एंड लोगो भी यूज किया है। थंबनेल को ऐसे क्रिएट करना होगा ताकि उसे देखते ही वीडियो का टॉपिक या ऑडियंस को क्या मिलने वाला है वो पता चल जाए, और पूरा टाइटल को पढ़ने का जरूरत भी ना पड़े। तुम्हें कोशिश करना होगा व्यूअर्स को कम से कम मेहनत करना पड़े वीडियो का टॉपिक समझने के लिए, और ये वीडियो उसके लिए जरूरी है कि नहीं वो समझने के लिए। अगर व्यूअर्स को थोड़ा सा भी मेहनत करना पड़े तो वो तुम्हारे वीडियो को देखेगा ही नहीं, क्योंकि याद रखना उसके पास हजारों ऑप्शंस हैं। तू नहीं कोई और सही। जैसे इस थंबनेल को देखकर ही लोग समझ जाएंगे इसमें गियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस स्किल को दिया गया है, और इसमें कैसे एक स्टोरी को बिल्ड करना है वो दिखाया गया है। और जैसे एक वीडियो के अंदर स्टोरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही थंबनेल के अंदर भी एक छोटा मोटा स्टोरी को दिखाना होगा। और वैसे ही छोटे मोटे गलतियों की वजह से अगर फोटोज में कैमरा से एक मोशन ब्लर या बहुत ज्यादा नॉइज आ जाता है तो उसे ठीक करने के लिए हेल्प करेगा इस वीडियो का स्पॉन्सर हिटपॉप फोटो एनहांसर। तो एक बार देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। सो फाइल के अंदर से पहला फोटो को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। पहले एक बार इस फोटो को देख लो, बहुत ही ज्यादा ग्रेन है और ग्रेन के वजह से फोटो भी उतना शार्प नहीं है। सो यहाँ से हम डिनॉइज मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। आउटपुट का रेजोल्यूशन कितना चाहते हो वो तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब प्रीव्यू पे टैप करते ही एक फ्यूचरिस्टिक स्कैन शुरू हो जाएगा। स्कैन कंप्लीट, रिजल्ट भी आ चुका है। ग्रेन का नाम और निशान नहीं है और डिटेलिंग भी थोड़ा बहुत वापस आ चुका है। और इस कॉर्नर को देखकर पता चलता है ग्रेन कितने अच्छे से रिमूव हुआ है। सो यहाँ से फोटो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट फोटो में भी हाई ISO के वजह से फोटो का क्वालिटी पूरी तरह से लॉस हो चुका है, तो इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे फेस मॉडल को यूज करके। सो फेस मॉडल को सिलेक्ट करके प्रीव्यू पे टैप करेंगे और स्कैन कंप्लीट। जस्ट लुक एट द स्किन डिटेल्स। ज्यादातर AI टूल्स में बहुत ही अननेचुरल स्किन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बालों में भी टेक्सचर बहुत अच्छे से रिस्टोर हुआ है। और यहाँ से तुम कैसा आउटपुट चाहते हो, शार्प या सॉफ्ट, वो सिलेक्ट कर सकते हो। इनके वेबसाइट पर और भी बहुत सारे हेल्पफुल टूल्स है जो कि तुम मेरे डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो, वो भी वन क्लिक में। अब तुमने कॉन्सेप्ट सोच लिया है, लेकिन डिजाइन शुरू करने के लिए दिमाग पर कुछ है ही नहीं। अब जरूरत है थोड़ा सा इंस्पिरेशन का, और वो तुम ले सकते हो अदर क्रिएटर्स के थंबनेल से, पिंटरेस्ट से। और अदर क्रिएटर्स का मतलब सिर्फ तुम्हारे नीश के क्रिएटर्स ही नहीं, किसी भी क्रिएटर का थंबनेल या थंबनेल का कुछ एलिमेंट से तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो। जैसे इस थंबनेल के अंदर ये जो बैटरी का आइकॉन है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको मेरे नेक्स्ट थंबनेल पे यूज किया। सिमिलरली इस थंबनेल का इंस्पिरेशन मैंने लिया था इस थंबनेल से। अभी तक जितने भी थंबनेल्स मैंने क्रिएट करे हैं सब PicsArt एंड Lightroom यूज करके ही किया है, इसलिए मुझे लगता है गुड थंबनेल बनाने के लिए तुम जिस सॉफ्टवेयर पे एडिट करना चाहते हो उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीखना जरूरी है, तभी जाकर तुम उस सॉफ्टवेयर का सारे फीचर्स को जान पाओगे और फुल फायदा उठा पाओगे। मेरा फेवरेट PicsArt है, बिकॉज ज्यादातर एलिमेंट्स इसके अंदर सर्च करके ही मुझे मिल जाता है। इसके अलावा वन क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव, टेक्स्ट के लिए 3D फीचर, ये सब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे मैं इस थंबनेल के लिए सारे फोटोज का बैकग्राउंड वन क्लिक करके रिमूव किया था। चिंता मत करो, इस वीडियो में एक थंबनेल को पूरा डिजाइन करके ही दिखाऊंगा, सिर्फ थ्योरी चिपका कर भाग नहीं जाऊंगा। PicsArt में डिजाइन कंप्लीट करने के बाद मैं Lightroom के अंदर थोड़ा बहुत कलर एडजस्टमेंट्स एंड फोकस शिफ्टिंग करता हूं। तो अगर तुम थंबनेल फोटोशॉप या कैनवा में क्रिएट करना चाहते हो तो उस सॉफ्टवेयर को पहले अच्छे से सीखो, उसका ट्यूटोरियल्स को देखते रहो। ज्यादातर लोग टिप्स देते हैं थंबनेल को क्लीन रखो, मिनिमल रखने की कोशिश करो, लेकिन ये सब बातें मुझे सही नहीं लगता। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम हक दो थंबनेल में। तुम्हारा टॉपिक एंड वीडियो का स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा थंबनेल कैसा हो। जैसे मेरे चैनल के लिए मैं अगर हमेशा क्लीन एंड मिनिमल थंबनेल डिजाइन करूंगा तो वो काम नहीं करेगा। मेरे लिए एक पर्टिकुलर थीम क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज करना पड़ता है, जिस वजह से डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन कुछ वीडियोस के लिए मैंने भी मिनिमल थंबनेल डिजाइन किया है। इन थंबनेल्स को मिनिमल रखा है क्योंकि इनका स्टोरी भी रिलैक्सिंग एंड स्लो पेस का है। सो डिजाइन योर थंबनेल अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल एंड टेस्ट। अब हमारा टेस्ट भी
बिगड़ रहा है, तू दिखाएगा कुछ या सिर्फ बकते ही रहेगा? मेरा रिसेंट वीडियो का थंबनेल क्रिएट करके दिखाता हूँ। इस थंबनेल का इंस्पिरेशन मुझे इस वीडियो का थंबनेल से मिला था। टॉप एंगल से लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा है, ये देखने में थोड़ा सा यूनिक लगा था मुझे, इसीलिए तभी इसको स्क्रीनशॉट करके रख दिया था। कॉन्सेप्ट के हिसाब से फोटो को टॉप एंगल से क्लिक करना है, जहां पर एक वाइड व्यू को दिखाना पड़ेगा। तो पहले ट्राइपॉड को फुल्ली एक्सटेंड करके कैमरा को लगा दिया, लाइटिंग भी एडजस्ट कर लिया, बाद में एलिमेंट्स यूज करूंगा इसलिए, लेकिन व्यू और भी थोड़ा सा वाइड चाहिए। स्मार्टफोन का फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा वाइड होता है, तो इसलिए कैमरा को हटाकर मोबाइल लगा दिया। अब फोटो को क्लिक करने के लिए कोई है नहीं, जो भी करना है सब कुछ अकेले ही करना है, इसलिए 10 सेकंड का टाइमर लगा के जल्दी से आके चेयर पे बैठ रहा था, और जल्दबाजी के चक्कर में फ्रेमिंग ठीक ठाक नहीं हो रहा था। अब फोटो को क्लिक करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर सोचा कि कैसे मैं यहाँ पर बैठे बैठे ही फोटो को क्लिक कर सकता हूँ। आइडिया आया, शायद TWS को फोन के साथ कनेक्ट करके टैप करने से कम बन सकता है, ट्राई करके देखना होगा। जैसा सोचा वैसा काम, मिशन सक्सेसफुल हो गया। बहुत मुश्किलों के बाद परफेक्ट फोटो तो मिल गया, लेकिन एक दिक्कत है, फोटो के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है और फ्लोर भी ठीक ठाक नहीं है। इसके लिए यूज किया नेक्स्ट पॉइंट को। डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए फोटो को ओपन कर लिया पिक्सट के अंदर, जाएंगे टूल के अंदर, सिलेक्ट कर लेंगे रिमूव टूल को। अब पहले हाथ के ऊपर से इस हेडफोन का तार को हटाएंगे, तो इसके ऊपर पेंट करेंगे ब्रश साइज को एडजस्ट करके और रिमूव। ना यहाँ पर जो लाइट स्टैंड दिख रहा है इसको भी रिमूव करेंगे, सेम प्रोसेस, सिलेक्ट कर लेंगे, रिमूव। बिल्कुल मैजिक के तरह काम करता है ये, देखो शाहरुख खान मैसेज कर रहा है, एक रील एडिट कर दिया था इसलिए। अब राइट साइड में ये वायर्स थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, तो इनको भी रिमूव कर देंगे। इस तरह से पूरे फोटो को हमने क्लीन कर लिया है। अब दिक्कत है एस्पेक्ट रेशियो को लेकर, थंबनेल के लिए 16:9 एस्पेक्ट रेशियो चाहिए, लेकिन ये फोटो तो वो नहीं है। अब फोटो को जूम करके तो फिट कर ही सकते हैं, लेकिन इससे वाइड फील्ड ऑफ व्यू नहीं रहेगा, तो फोटो को सेव कर लिया। अब किसी भी कलर का एक बैकग्राउंड को ओपन करेंगे, देन फिट पर क्लिक करके रेशियो के अंदर से 16:9 एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे, कलर को जूम करके फिट कर लेंगे और डन। अब एड फोटो पर जाएंगे और क्लीन किया हुआ फोटो को एड कर लेंगे। अब थोड़ा सा जूम करके फोटो को कर लेंगे सेव। और ऐसा मैंने क्यों किया अभी पता चल जाएगा। मैन्युअली फोटो को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता, लेकिन मेहनत क्यों करेंगे, AI का जमाना है और आजकल फोटोशॉप का जेनरेटिव फिल एडोब फायरफ्लाई ट्रेंडिंग में है, तो सोचा एक बार ट्राई कर ही लेता हूं। वेबसाइट पे जाकर लॉगिन किया, फोटो को ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, अब ग्रीन पार्ट को इरेज करके जेनरेट कर दिया। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से सेकंड वाले को रख लेते हैं। एस्पेक्ट रेशियो तो ठीक हो गया है, अब क्या फ्लोर को चेंज कर सकते हैं? इरेज कर दिया पूरा फ्लोर को, प्रॉम्प्ट डाला डार्क फ्लोर और जेनरेट। यहाँ पर फिर से चार ऑप्शन है, देख लेते हैं एक बार, लास्ट वाला सही लग रहा है तो इसे रख लेते हैं, बट लेफ्ट साइड पे थोड़ा ज्यादा ही स्पेस है, तो यहाँ पर एक दीवार चाहिए। इस साइड को इरेज कर लेंगे और वॉल लिखकर जेनरेट कर देंगे। अब इनमें से एक को रख लेंगे और फोटो को कर लेंगे डाउनलोड। नाउ थंबनेल को ऐसे डिजाइन करना होगा जो टाइटल को कॉम्प्लीमेंट करे, जैसे इस वीडियो का टाइटल फास्टेस्ट वीडियो एडिटिंग वर्कफ्लो फॉर क्रिएटर, तो यहाँ पर मैं प्रीमियर प्रो का टाइमलाइन ऐसे ऐड करूंगा जैसे वो मेरे साइड से बहुत तेजी से निकल रहा हो और देखकर लगे मैं बहुत फास्ट एडिट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इस को रिमूव करना होगा, तो रिमूव टूल की मदद से इसके ऊपर पेंट करके रिमूव कर देंगे। दोनों साइड पर जो वॉल्स है उनको थोड़ा डार्क करना होगा, तो टूल्स में से एडजस्ट पर जाएंगे और ब्राइटनेस को कम कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और शेडोज को भी कम कर देंगे। नाउ चले जाएंगे इरेज पर और इन्वर्ट करके सिर्फ दीवारों पे पेंट करेंगे रिस्टोर ब्रश को यूज करके, फ्लोर को भी थोड़ा सा डार्क करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा शेडोज को एडजस्ट करके डन। बिफोर आफ्टर देख लो एक बार। अब प्रीमियर प्रो का टाइमलाइन ऐड करेंगे, तो ऐड फोटो में जाएंगे और गैलरी से PNG को सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। अब इसका ब्लेंड मोड को स्क्रीन पर करेंगे, साइज वगैरह को एडजस्ट करके रोटेट करके प्लेस कर देंगे। अब सीधे चले जाएंगे FX में और मोशन ब्लर को सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ डिस्टेंस को 100, फेड को 0 एंड एंगल को 180। Okay. अब इसको वर्टिकली थोड़ा बढ़ाएंगे एंड इस लेयर आइकन पे टैप करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। देन एडजस्ट पे जाके इसका ह्यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि इसे देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगे। डन। नाउ इस लेयर को फ्लिप कर लेंगे। अब इसका भी साइज वगैरह को एडजस्ट करके प्लेस कर देंगे राइट साइड पर। नाउ इरेजर की मदद से दोनों लेयर्स को ही टेबल एंड PC के ऊपर से इरेज करना होगा, जैसे इस वीडियो का टाइटल मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, इसलिए थंबनेल पर भी स्टोरी रिलेटेड एलिमेंट्स ही है, जैसे किताब, खाली पन्ने, ये सब। और एलिमेंट के नाम से फालतू के इमोजीज मत डालो, वो किसी भी काम के नहीं है। थंबनेल के अंदर कुछ ऐसा कलर्स यूज करना होगा जिससे मेन सब्जेक्ट या टेक्स्ट अच्छे से विजिबल हो पाए, सिर्फ आई कैची या ओवर सैचुरेटेड कलर्स यूज करने से नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर मैं व्हाइट टेक्स्ट ऐड करूंगा, इसलिए इस टाइप का कलर यूज किया है। अगर किसी थंबनेल पे बिफोर आफ्टर या वर्सेस दिखाना है तो वहाँ पर कलर स्कीम के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को चूज करना अच्छा रहेगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है, ज्यादातर न्यू ब्लॉगर्स पूरा टाइटल को ही थंबनेल पे लिख देते हैं। अरे भाई, ये लव लेटर नहीं है कि तुम्हारा दिल का दर्द वहां पर उतारोगे। थंबनेल के अंदर मैक्सिमम 3 वर्ड्स यूज करो, उससे ज्यादा नहीं। और टाइटल पर जो है वही टेक्स्ट सेम टू सेम थंबनेल पर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखो जिससे टाइटल का मीनिंग ही एग्जैचुरेट होगा, दिमाग पे कुछ ना आए तो अलग बात है। जैसे इस पे हम फास्टेस्ट एडिटिंग लिखेंगे। नाउ चलेंगे टेक्स्ट में और फास्टेस्ट टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। फॉन्ट ठीक ही लग रहा है मुझे, सो 3D रोटेट टूल को यूज करके टाइमलाइन के साथ टेक्स्ट का पर्सपेक्टिव को मैच करने
की कोशिश करेंगे। नाउ एडिटिंग टेक्स्ट को भी ऐड कर लेंगे और सेम प्रोसेस को फॉलो करके राइट साइड में प्लेस करेंगे। 3D टेक्स्ट को तुम डायरेक्टली इरेज नहीं कर सकते, सो टेक्स्ट को इरेज करने के लिए ऐड फोटो में जाएंगे और नॉर्मल फोटो को ऐड करेंगे। साइज को फिट करके इरेज पे टैप करेंगे। नाउ इन्वर्ट करके रिस्टोर ब्रश की मदद से इरेज कर देंगे टेक्स्ट को। नाउ आखिरी टेक्स्ट को ऐड करके उसका साइज को एडजस्ट कर लेंगे और 3D टूल को यूज करके टेबल के पर्सपेक्टिव के साथ मैच करेंगे। इसका कलर को चेंज करके ग्रे कर देंगे और ओके। अब इसको भी इरेज करना होगा सेम टेक्निक यूज करके, सो हाथ एंड कीबोर्ड के ऊपर से इरेज कर देंगे और लास्ट में इरेजर का ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करके पूरे टेक्स्ट को थोड़ा फेड कर देंगे। और टेक्स्ट ऐड करने के समय एक बात ख्याल रखना, थंबनेल का राइट साइड में कोई भी टेक्स्ट ऐड मत करना क्योंकि वीडियो अपलोड हो जाने के बाद वहां पर वीडियो का ड्यूरेशन शो होगा। अब थंबनेल पूरी तरह से कंप्लीट है, अब इसे लाइटरूम के अंदर ले जाएंगे और थोड़ा बहुत बेसिक एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। पहले ही लाइट के अंदर जाकर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देन कलर के अंदर से वाइब्रेंस। अब सीधे चले जाएंगे मास्किंग पर, प्लस बटन पर टैप करके एक रेडियल ग्रेडियंट ऐड कर लेंगे। मास्क ड्रॉ करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर और साइज को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब लाइट में जाकर एक्सपोजर को कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाएंगे और हाईलाइट्स को थोड़ा। नाउ मास्क के ऊपर टैप करके इसको इन्वर्ट कर देंगे और डन। फिर से कलर में जाकर ग्रेडिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ से शैडोज में थोड़ा सा ब्लू टोन एंड हाइलाइट्स में थोड़ा सा रेड। फाइनली कर्व्स में जाकर एक एस टाइप का कर्व क्रिएट करेंगे, हल्का सा फेड टोन डालकर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए। और एक बोनस टिप, पहले थंबनेल बनाने की कोशिश करो, तब देखना वीडियो बनाने में भी कॉन्फिडेंस आएगा और थंबनेल पे जो तुमने वादा किया है वो वीडियो में भी दे पाओगे। और शुरू में मैंने बताया था तुम्हें इस वीडियो में लाने के लिए थंबनेल का रोल 95% है, लेकिन ऑडियंस को वीडियो में टिकाए रखने के लिए ये वीडियो देखना जरूरी है। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।